प्रीवियस क्लास में हम समझ रहे थे कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग डिस्कशन किए थे। क्या इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है? बच्चे हैंड रेज करेंगे अगर किसी को पूछना है तो, कि समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूरा पॉइंट तो कंप्लीट हो गया था सुहानी। सुहानी आप बताइए। यस सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या पूरा पॉइंट हम आप लोगों को समझा दिए थे? यस सर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का है वो आज डिस्कशन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी। What do you mean by accountancy? सही बच्चे इसको लिखेंगे accountancy. What do you mean by accountancy? देखिए accountancy बच्चे यहां पर जो बता रहा है ये एक वैसा मतलब प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? अगर मुझे ये प्रिंसिपल नहीं बनाएगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाएगा, ये रूल नहीं मुझे देगा, तो क्या हम अकाउंट का जो भी प्रोसीजर, जो भी वर्क को फुलफिल करते हैं, अकाउंटिंग वर्क फुलफिल करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। आप किसी बिजनेस का अकाउंटिंग डेटा आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करते हो, किसके रूल रेगुलेशन पर? यही अकाउंटेंसी जो देता है। तो अकाउंटेंसी इंटायर क्या कहता है इसका डिफिनेशन, लिखिए तो एक लाइन में, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर्स टू, अकाउंटेंसी रेफर्स टू accountancy refers to the entire body, accountancy refers to entire body of the theory accountancy refers to the entire body of the theory and practice of entire entire body of the theory and practice of accounting, theory and practice of accounting। क्या बताया यहां पर कि accountancy refers to the entire, इंटायर मतलब ओवरऑल होल, इंटायर बॉडी, इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में जो भी हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, अकाउंटिंग में जो भी डेटा को फाइंड आउट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, ये सब प्रोसीजर, इसके लिए जो भी टेक्निक देता है, इसके लिए जो भी रूल बनाता है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। सो इट इज द सोल ऑफ अकाउंटिंग। सो इट इज द सोल, SOUL, सोल। सो इट इज द सोल ऑफ इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। So it is the soul of entire accounting system।
हाँ मनीष, मनीष कुछ प्रॉब्लम है क्या? मनीष बताओ सर, पता नहीं चल पाता जरा इस तरह से क्लासेस। तो यहाँ पर समझा रहे थे कि अकाउंटेंसी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का डिफिनेशन हम बताएं कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर सिस्टम, इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में जो भी काम हम करते हैं कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग उसको ये क्या कहते हैं उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, तो इन सभी के लिए एक प्रॉपरली क्या होता है, रूल होता है, जिस रूल से हम लोग क्या करते हैं इसको फॉलो करते हैं। ओके तो वही चीज दिखवाए अभी आपको, जो अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सो इट इज द soul of entire accounting system. So it is the soul of entire accounting system. It explain how to maintain the books of account. It explain how to, आवाज नहीं आ रहा है क्या जितेंद्र? अमृता सर एक रोल नंबर 57 है बैच 2 की, सर वो कब से वेटिंग रूम में है, उसको प्लीज इन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। हाँ तो यहां पर ये हुआ कि इट एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, how to summarize the accounting information, how to summarize the accounting information and how to communicate and how to communicate it to the various and how to communicate it to the various user group various user group yes Ankit sir ek to Suraj Kumar 41 hai sir roll number uska bhi sir admit kar lijiyega sir add kar lijiyega अच्छा ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं, इसके लिए आपको आप लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग एकदम से हम यहाँ पर देख रहे हैं, सिस्टम पर देख रहे हैं, कोई भी अगर इस तरह का बच्चे आएंगे ना निश्चित रूप से उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी थोड़ा आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं बच्चे। चलिए तो यहां पर यह है, नेक्स्ट लिखेंगे it is concerned with the principle and technique, it is concerned with the principle and technique that are used in accounting. ये समझ में आया कि अकाउंटिंग में जो भी काम करते हैं वो इन्हीं के द्वारा दिए हुए रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल के बेसिस पर करते हैं। रोल नंबर 31 बैच टू रोल नंबर 31 ओके नेक्स्ट लिखिए। तो
तो व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंट एंड अकाउंटिंग, ये तीनों में क्या डिफरेंस है बच्चे? तो जो स्टार्टिंग का फेज होता है, जो इनिशियल का होता है, उसको हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं, और जो थोड़ा ऊपर होता है उसको हम लोग आगे ये अकाउंटिंग के कैटेगरी में रखते हैं, और जो सबसे ऊपर होता है उसको हम लोग अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी रूल बनाता है, अकाउंटिंग फॉलो करता है, और जिसके ऊपर में फॉलो किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम डेबिट क्रेडिट करते हैं उसको हम लोग अकाउंट कहते हैं। तो ये चीज याद रखना है। ओके, तो एक लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बुककीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। रिलेशनशिप लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन बुककीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, बुककीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या रिलेशन है इसमें? तो इसका रिलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि बुककीपिंग इज द फर्स्ट पार्ट, यानी बुककीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बुककीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, या अकाउंटेंसी इंक्लूड अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग रखेंगे अकाउंटेंसी को, इसके बाद आ जाएगा सेकंड स्टेप अकाउंटिंग का, और इसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगा वो किसका आएगा, इस तरह से कहता है बुककीपिंग ये है, अकाउंटिंग ये है, अकाउंटेंसी क्या हो गया, इस तरह से डायग्रामेटिकली इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। यस रवि सर, इसको एक तरह से मतलब डिफरेंशिएट करने टाइप का हो गया ना, यानी कि तीनों को डिफरेंशिएट करना, तीनों में यही आपको डिफरेंस करना है। अभी हम समझा रहे हैं आपको, इसको डायग्राम में नोट कर लीजिए। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, बुककीपिंग का, इससे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो अकाउंटिंग का, और इससे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो क्या, अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी में पूरा इन्वॉल्व हो गया, यानी बुककीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आ गया। तो बुककीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इंक्लूड अकाउंटिंग। तो एक बेसिक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बहुत सारे कहेंगे कि नहीं ये दोनों सेम ही है, नहीं बच्चे सेम नहीं है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इसको याद रखना है। लिखे थे क्वेश्चन, व्हाट आर द यानी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इस तरह से पार्ट कर देते हैं इसको, इसको हम लोग ले लेते हैं अकाउंटिंग के डायग्राम में। देखिए इसको हम अकाउंटिंग में लेंगे, और इसको हम लोग अकाउंटेंसी में लेंगे। तो सबसे पहला यहां पर पार्ट लिखेंगे डिफरेंस में मीनिंग, मीनिंग
फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मीनिंग, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं बच्चे, इसको बेसिस ऑफ डिफरेंस कर लीजिए इस तरह से, बेसिस ऑफ डिफरेंस ये दे दीजिए अकाउंटिंग और यहां अकाउंटेंसी। तो पहले लिखिए मीनिंग, लिखिए मीनिंग में लिखिए अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। Accounting is the process of measuring, recording, summarizing, and analyzing, of financial transaction. एनालाइजिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन नहीं करोगे फिर आपका अटेंडेंस क्या हो जाएगा आप समझ लो। अभी जितने बहुत सारे बच्चे का ये इशू होगा। ओके, द अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। Okay. क्या ये समझ में आया? रोल नंबर 108 बैच 2। यस सर। चलो इसका इसमें लिखिए अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज of the principles, systematic knowledge of the principles and the technique applied in accounting, इसमें समझ में आया बच्चे आप लोगों को कि अकाउंटिंग
is the process of measuring, recording, summarizing and analyzing of financial transaction. जबकि accountancy जो है, so refers to systematic knowledge of the principles and the technique applied in accounting. यानी accounting में जो भी principle और technique को apply करते हैं, वो किसके sector में आता है? Accountancy के sector में आता है. Accountancy principle और technique को बनाता है. ठीक है, जैसे नहीं कहते थे कि महाभारत में धृतराष्ट्र जो था वो सबसे लंबी धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या नाम था, भीष्म जो था वो सबसे बड़ा था, उससे आगे बढ़ के कोई था ही नहीं. तो उसी तरह से अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में जो है सो सबसे बड़ा क्या है, ये मतलब मेकर, जैसे फिल्म बनाने वाले को नहीं कहते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहते हैं जी, फिल्म जो बनाता है, उसी तरह से जो अकाउंटिंग को चलाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं. सेकेंड पॉइंट में लिखिए थ्योरी एंड प्रैक्टिस. बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या लिखेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में लिखिए अकाउंटिंग डील्स ऐसा लगा दीजिएगा, अकाउंटिंग डील accounting deal with the practice part of accountancy. Practice part of accountancy. उसमें लिखिए accountancy refers to the accountancy refers to the accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. नेक्स्ट लिखिए स्कोप, क्षेत्र. अकाउंटिंग इज द एक्शन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हाँ शुभम बताइए, शुभम. सर थ्योरी एंड प्रैक्टिस में थोड़ा सा छूट गया था. थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. यस सर. इसको पे लिखिए अकाउंटिंग इज द एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज. सर बोल रहे थे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में मतलब थोड़ा सा छूट गया था, एक बार रिपीट कर देते हैं. अच्छा तो किसका, अकाउंटिंग में कि अकाउंटेंसी में?
यस सर, दोनों में थोड़ा छूट गया है। ओके, अकाउंटिंग डील विथ द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग जो डील करता है, ये अकाउंटेंसी का क्या है? प्रैक्टिस पार्ट है, प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। जबकि अकाउंटिंग ओवरऑल, मतलब अकाउंटेंसी क्या हो गया? ओवरऑल अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप में लिखिए, अकाउंटिंग इज द एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज लिए। अकाउंटिंग इज द एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। जबकि अकाउंटिंग, उसमें लिखिए अकाउंटेंसी में, accountancy is an area of knowledge accountancy is an area of knowledge which shows path to accounting। yani accounting ko rasta dikhane ka jo kaam karta hai वो कौन करता है? अकाउंटेंसी। नेक्स्ट लिखिए बच्चे, चौथा पॉइंट लिखिए, रिलेशन। यस राज, भी बोलिए। सर अभिराज सर, अकाउंटेंसी इज एन एरिया ऑफ नॉलेज विच सोच के बाद क्या बोले सर? विच सोच पथ, पी ए टी एच, फॉर फॉर पथ होता है, पी ए टी एच। नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे? फॉर पी ए टी एच। ओ मतलब चलने का नहीं काम होता है कि देखो जो हमको अगर रास्ता अगर पता रहेगा तो आराम से हम चल देंगे ना। यहाँ से अगर बीएन कॉलेज मुझे जाना है और बीएन कॉलेज जाना है, मुझे पता रहेगा कि यहाँ से हम टेम्पू पकड़ेंगे, कुर्जी मोड़ से चले जाएंगे बीएन कॉलेज, पहुंच जाएंगे। तो रास्ता पता रहेगा तो कैसे इजी वे में चले जाएंगे। तो अकाउंटेंसी जो रूल देता है उसी रूल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग क्या करता है? आगे बढ़ता है। ओके बच्चे, और एक लास्ट पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, रिलेशन। अकाउंटिंग इंक्लूड बुक कीपिंग, जो अभी हम डायग्रामेटिकली आपको समझा रहे थे। अकाउंटिंग इंक्लूड बुक कीपिंग, उसमें लिखिए अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड टर्म। अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड टर्म, it include both it include both both matlab bookkeeping and kya accounting। aur ek sequence hai, panchma point hai, सीक्वेंस।
सीक्वेंस अकाउंटिंग सीक्वेंस में कहता है कि वेयर अकाउंटिंग इंड्स अकाउंटेंसी बिगिन, मतलब अकाउंटिंग जहां समाप्त होता है वहां पर अकाउंटेंसी क्या होता है, स्टार्ट होता है। और इसमें लिख लीजिए वेयर अकाउंटेंसी इंड्स, वेयर अकाउंटेंसी इंड्स where accountancy ends auditing sir, हाँ. sir, एक बार रिलेशन के बाद जो अकाउंटेंसी में एक बार रिपीट कर दीजिए ना। रिलेशन में बताए थे इसमें क्या अकाउंटेंसी, इट इंक्लूड बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हाँ बस स्टॉप। उसके बाद आपका ये पॉइंट बताए सीक्वेंस, सीक्वेंस में कौन, देखो अकाउंटिंग जब स्टार्ट होता है, सॉरी अकाउंटिंग जहां समाप्त होता है वहां पर अकाउंटेंसी का काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। और जहां अकाउंटेंसी का काम समाप्त होता है वहां पर ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा। ओके तो ये इसका डिफरेंसेस है बच्चे बुककीपिंग एंड सॉरी किसका अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसको थोड़ा पढ़ेंगे सही बच्चे। और एक इसमें और पॉइंट है अकाउंटिंग साइकिल। तो बच्चे आप लोग का लगता है शायद ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चे थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक सेकंड सर, हेलो सर।